वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ यहाँ पर फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारे में, जो पंजाब का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। तो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री जानते हैं, किसी के जुबानी किसी को पूछते हैं यहाँ की क्या हिस्ट्री है, ये पंजाब का सबसे बड़ा गुरुद्वारा क्यों पूछते हैं। मेरे दिमाग में भी एक सवाल आया कि फिर क्यों बड़ा हो सकता है ये। बहुत बड़ा पीछे है, इसमें रूम भी मिलते हैं आपको, यहाँ पर रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इसका मेन एंट्रेंस उधर से है, इसी के साथ ही नीचे दरगाह है फरहान शरीफ। ये पंजाब का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, इसकी हिस्ट्री बता दें आप। दुनिया की वर्ल्ड की सबसे महंगी धरती है। अच्छा, जो यहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहबजादे दो 7 साल और 9 साल की उम्र में जिंदा नियों में शहीद किए गए। यहाँ का जो नवाब था वजीर खान, उसने यह जुल्म किया, अपने धर्म में अपनाने के लिए उनको ये सजा दी। पहले उनको 3 दिन ठंडे बुर्ज में कैद रखा, और माता थी गुरु गोविंद सिंह की जो बुजुर्ग थे, इतनी ठंडी हवा में शीत लहर चल रही थी, वहाँ 3 दिन कैद रखा। बाद में 1705 ईस्वी जिंदा नियों में शहीद किया। बच्चों को 7 साल और 9 साल की गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहबजादे लगते जिगर। उधर भी गुरुद्वारा, बाद में जो इनका संस्कार हमारे धर्म में किया जाता है, यहाँ का टोडरमल दीवान टोडरमल था जी जी। उनका संस्कार किया है। जो धरती आप सबसे महंगी बोलते हैं ना, सोने की मोहरें चलती थी तब। अच्छा, सोने की मोहरों से जगह खरीदी थी संस्कार के लिए। अच्छा, वो भी खड़ी करके, सोनों की मोहरें खड़ी करके जितनी संस्कार के लिए जगह था चाहिए थी वो खरीदी, वहाँ पर संस्कार किया। ये सबसे बड़ी बहुत पवित्र जगह है। अच्छा, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे सिख धर्म का जी। बहुत बड़ा ये तो उसके बाद जो अमृतसर में गुरुद्वारा, वो भी बोला जाता है कि वो भी बड़ा गुरुद्वारा। हाँ, सबसे पहला वही जो सिखों का केंद्र कहते हैं, सबसे पहला वही गुरुद्वारा जी, जो गुरु रामदास जी ने, चौथे गुरु हमारे। अच्छा, उन्होंने ये गुरुद्वारा खुद गुरु जी ने रखवाया था। अच्छा, गुरुद्वारा आप तैयार किया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अमरजीत सिंह है, मैं यहाँ पे आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देखो, ये गुरुद्वारा है, ये कोई धन धन
फतेहगढ़ साहब में सरदारों में और मुसलमानों में आपस में बहुत ही इत्तफाक है। यहाँ पर ज़ियारत में वो सरदार भी लंगर लगाते हैं और मुसलमान और सरदार मिलके काम करते हैं। यहाँ पर हम गुरुद्वारे में गए थे जो आपको दिखाया, जैसे आप अपने मजहब की इज्जत करते हो वैसे दूसरों के मजहब की भी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि इज्जत दोगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।